वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज का जो हमारा टॉपिक यूपी स्पेशल में रहने वाला है वो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और एक सेकंड हाँ जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, ठीक है। और चलिए देखते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अच्छे सवाल पेपर में आ जाते हैं। देखो भाई, यूपी सरकार ने एनसीआर में बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। कब भेजा? 9 जनवरी 2018 को। अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? 2014 में। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाते हैं? जनवरी में, संभवतः 9 जनवरी के आसपास मनाएंगे इसको, ठीक। और एनआरआई दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी डेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे 9 जनवरी नहीं है, ये है 5 से 6 जनवरी। राज्य का विधानमंडल किस प्रकार का है? द्विसदनीय है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा का पहला गठन कब हुआ था साथियों? जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 431। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425। नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया तो अब वर्तमान में कितनी है? 403। 15वीं व 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? 15वीं में थी 23, 16वीं में है 35। 17वीं विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 41। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनावों में पार्टियों का प्रदर्शन क्या रहा वो देख लो जरा। 312 सीटें मिली भाजपा को, 9 सीटें मिली अपना दल को, ठीक है। 4 सीटें मिली सोहेलदेव भारत समाज पार्टी को, 47 सीटें मिली सपा को, 7 सीटें मिली कांग्रेस को, 19 सीटें बसपा को तथा 5 सीटें अन्य को, यानी सबसे बड़ी पार्टी 312 सीटों के साथ भाजपा रही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? प्रयागराज, ध्यान रखना, जो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, राज्य नहीं सॉरी जिला, तो वो है प्रयागराज, यहाँ पे 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहाँ पर केवल 2-2 सीटें हैं। स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है प्रयागराज में 8 जनवरी 2003 की। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई कब? 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयाग, मतलब प्रयाग में। विधान परिषद का गठन कब किया गया साथियों? ये किया गया 1937 में। उत्तराखंड बनने से पहले विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 108, अब कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? सबको पता है 80 हैं। प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 17, ध्यान रखना, और एसटी की सीटें हैं 0, क्योंकि हमारे एसटी आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, यूपी में बात हो रही स्पेशल, तो सबसे बड़ा है गाजियाबाद और सबसे छोटा है बागपत। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है साथियों 31। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा यूपी में? 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, यानी पूरे 1 वर्ष। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो टोटल 10 बार लग चुका है, ठीक है, 10 बार। लास्ट बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 10वां, वो 2002 में लगा था, 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है यूपी में? 915 कुल छोटे या बड़े नगर हैं। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है? 648। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले कौन से हैं? बदायूं, बदायूं में 23 हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है श्रावस्ती में केवल 2। आगे देखिए, योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं? 3 हैं उत्तर प्रदेश में, नोएडा,
ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। आवास विकास परिषद कितने हैं? 54। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 29। 29वां जो बना है वो मिर्जापुर बना है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं हमारे यहाँ? 5। मंडलों की संख्या कितनी है यूपी में? 18। 18वां मंडल अलीगढ़ बना है, अप्रैल 2008 में ये बना था। सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है व मेरठ है। इन तीनों में 6-6 जिले सम्मिलित हैं। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? ये है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। यहाँ पर केवल 3-3 जिले हैं। जिलों की संख्या कितनी यूपी में? सबको पता है 75 है। तहसीलों की संख्या कितनी यूपी में? 350। नगर निकाय यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? 17। स्मार्ट सिटी कितनी है? स्मार्ट सिटी है साथियों 8। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश की कितनी है? 10। सेफ सिटी कितनी है यूपी में? 17। जिला पंचायतें कितनी हैं? 75। जब 75 जिले हैं तो जिला पंचायतें भी 75 हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है कुल सीटों का? 1/3 यानी 33%। अगला पॉइंट देखिए, 78 निर्वाचित महिला सांसदों में 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि होंगी। वे लोकसभा का 14.39% हिस्सा होंगी, जो पिछली लोकसभा में कुल 65 महिला सांसदों के साथ कुल संख्या का 12.5 थी। तो ये हुई उत्तर प्रदेश की प्रशासन जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।